आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो चौथे चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए आज से नॉमिनेशन भरने का काम भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होगा और चौथे चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग होगी। नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख है वो 25 अप्रैल रखी गई है। 26 अप्रैल को स्क्रूटनी कराई जाएगी और जबकि 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा और उससे पहले आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है चौथे चरण के लिए। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होना है चौथे चरण में। 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं कोई भी प्रत्याशी। 26 अप्रैल को जांच की जाएगी और उसके बाद अगर किसी भी प्रत्याशी का मन बदलता है तो 29 अप्रैल तक कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। 13 मई को मतदान होना है और उसी के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, बताइएगा चौथे चरण में कौन कौन से दिग्गज नॉमिनेशन फाइल करेंगे? देखिए, इस बार चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे और खास तौर से इंदौर, देवास, धार, खरगोन की जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे जिसमें मंदसौर, रतलाम, इंदौर और खरगोन की सीट शामिल है। और समूचे मध्य प्रदेश में जो है अब चौथे चार चरणों में चुनाव होना है और इसके बाद जो है चौथे चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 अप्रैल जो है वो आखिरी तारीख है और इसके साथ साथ 29 अप्रैल तक जो प्रत्याशी हैं वो नाम वापस ले सकेंगे। ठीक है अजय दुबे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।